Hello students, in this video we are going to start with a new topic known as issue and redemption of debenture. क्या करने वाले हम लोग? Issue and redemption of debenture. Point number one, सबसे पहली बार मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वो बताओ. सर, यहां पे लिखा है डिबेंचर. फटाफट मुझे ये बताओ, डू यू थिंक कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं क्या वो कंपनी के ओनर होते हैं? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स क्या ये कंपनी के ओनर होते हैं? आंसर इज नो. तो इसका मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये लोग ओनर नहीं होते, दे आर दी लेंडर्स, है ना. ये कौन है? अपने लिए बोरोड फंड, दैट इज अवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल नहीं है, ओनर नहीं है वो लोग, दैट इज अवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स होता है वैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है. लेकिन इश्यू ऑफ शेयर में जब हम लोग किसको शेयर्स बेचते हैं तो दैट पर्सन और दैट शेयर होल्डर बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी. वेयर एज जब हम लोग किसी को डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, दैट डिबेंचर होल्डर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, ही बिकम्स द लेंडर. कंपनी ने उसके पास से मनी बोरो किया ऑन विच कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, चलो. तो ये हो गया, हम लोग ने बात किया अभी डिबेंचर्स के बारे में. अब इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टू थिंग्स, वन इज इशू एंड द सेकंड इज व्हाट, रिडम्पशन. फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर और फिर हम लोग देखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ठीक है, चलो. तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, फटाफट मुझे बताओ डिबेंचर्स को हम लोग बदले में क्या पे करते हैं? सर, डिबेंचर्स को इन रिटर्न्स वी पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिबेंचर होल्डर्स को वी पे व्हाट? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. एंड ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते, दे आर दी लेंडर्स. एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बराबर है. तो अगर वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो जब कंपनी लिक्विडेट होगा या बंद होगा, इन दैट केस डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट पहले मिलेगा एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स. ठीक है, चल. तो अब हम लोग वापस से आ जाते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया, डिबेंचर होल्डर आर नॉट द ओनर, दे आर द लेंडर, दे आर द एक्सटर्नल लाइबिलिटी. उनको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, नाउ अब ये जो इश्यू ऑफ डिबेंचर है, जिस दिन हम लोग इश्यू करते हैं, जिस दिन डिबेंचर्स आर इश्यूड, ऑन दैट डे इटसेल्फ इट इज डिसाइडेड कि व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिडीम्ड. इसीलिए यहां पे देखो टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. डू यू रिमेंबर, हम लोग ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, फिर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर किया. रिडम्पशन और बायबैक देखने जाएंगे तो वैसे सेम ही होता है, बट रिडम्पशन का मतलब इट इज प्री डिसाइडेड व्हाट विल बी द डेट, व्हाट विल बी द रेट, कि बाबा हम लोग क्या अमाउंट पे करेंगे. लेकिन बायबैक में ऐसा नहीं होता है. द डेट वी डोंट नो ऑन द डेट ऑफ इशू इटसेल्फ कि हम कभी वो बायबैक करेंगे, कितने में करेंगे एंड ऑल, राइट. चलो, तो यहां पे जो इशू ऑफ डिबेंचर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर
इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन बी एट पार इट कैन बी एट प्रीमियम इट कैन बी एट डिस्काउंट सर आपने रॉन्ग लिखा, एट डिस्काउंट तो होता ही नहीं है सर, आपने रॉन्ग लिखा। नहीं नहीं, मैंने बरोबर लिखा है और तुमने बरोबर सुना भी है। शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जब हम लोग इश्यू करते हैं, दैट कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, अगर फ्रेश इश्यू है तो। लेकिन डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, अब मुझे बताओ फटाफट, व्हाट विल द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार? सिंपल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलो मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट, राइट, वॉट एवर मे बी द अमाउंट। ये हो गया इश्यू एट पार। प्रीमियम पे क्या आएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब अपने एक्स्ट्रा पैसा लिया अपने लिए प्रॉफिट एंट्री। सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिस्काउंट अकाउंट, अगले डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैं ये सब चीज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने ऑलरेडी शेयर्स वेयर्स किया हुआ, जो ये सब एकदम लल्लू पंजू होना चाहिए, ठीक है। नाउ एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब अपने लिए लॉस हो रहा है एंट्री। सर एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, दे क्या इशू कर रहे हैं? डिबेंचर। ओ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, राइट। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम एक ही डिबेंचर इशू करो, ओनली वन, 100 रुपए का एक, तो एट पार में 100 100, चलो 20% प्रीमियम, तो डिबेंचर तो 100 रुपए का है, 20 रुपीज का प्रीमियम, तो ये 120 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट, तो डिबेंचर तो 100 रुपीज का है, डिस्काउंट है 10 रुपीज का, तो पैसे कितने मिलेंगे? 90। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू है 100। यहां देखो 10% डिबेंचर 100, 10% डिबेंचर 100, 10% डिबेंचर 100। ओ हो, इसका मतलब क्या सर? इससे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? डिबेंचर इज ऑलवेज recorded at face value. Debenture is always recorded at face value. ये चीज ना दिमाग में register कर लो, fix कर लो। जैसे याद है, मालूम है, अपन जब भी equity share करते थे, preference share करते थे, तो उसमें हम लोग बोलते थे capital मतलब face value, capital मतलब face value. सिमिलरली यहां पे अगर मैंने वर्ड यूज किया डिबेंचर, तो यहां पे डिबेंचर का मतलब होता है फेस वैल्यू। क्लियर? यस सर, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ इशू क्या उसी टाइम पे हमको पता होता है कि ये डिबेंचर कब रिडीम होने वाला है? कब रिडीम होगा? आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, क्या पता होता है? हाँ सर पता होता है,
अच्छा, व्हाट विल बी द रिडीमेबल वैल्यू पता होता है कि तुम कितना रिडीम करने वाला है। हाँ सर, वो भी पता होता है, रिडीमेबल एट पार होता है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हमने देखा 10% प्रीमियम, वैसे ही होता है यहाँ पे भी, रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं होता है, बट रिडीमेबल एट पार भी होता है, रिडीमेबल एट प्रीमियम भी होता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सम हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम लोग दोनों भी देखेंगे, इश्यू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार एंड प्रीमियम, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ वापस, ये जो डिबेंचर है, ये जो डिबेंचर है वो ओनर का पैसा है कि लेंडर्स है? लेंडर्स, सर ये तो बोरोन फंड है, लेंडर है, बाहर का पैसा है। तो याद रखना ये ओनर नहीं है, ओनर का पैसा होता है ना तो तुमको उतना टेंशन नहीं होता रीपेमेंट का। लेकिन अगर ये बाहर वालों का पैसा है, जैसे डिबेंचर होल्डर बोले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तुम जिस दिन लाइबिलिटी को लेते हो ना उस दिन से तुमको उसकी रिडम्पशन का प्लानिंग करके चलना पड़ता है, राइट। तो देखो अब हम लोग ना आगे चलते हैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल की तरफ, देखते वो एग्जाम्पल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मतलब जर्नल एंट्री करना है, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन वैसे भी हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर बोला है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो ठीक है, अदरवाइज जहां कहीं पे भी जर्नल एंट्री लिखते हो नरेशन इज कंपल्सरी, ठीक है। तो अपने मन से आगे बीइंग लिखो और उसके पीछे जो तुम लोगों को समझ में आता है उस जर्नल एंट्री से रिलेटेड वो लिखो, ठीक है। चलो लेट्स सी, इशू ऑफ 12%, तो ये 12% क्या है सर, ये 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इशू ऑफ 12% 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। बोलो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है सर, 1 लाख। व्हाट इज द फेस वैल्यू सर, फेस वैल्यू है ₹100, ठीक है। अब देखो यहां पे बोला है इशूड एट पार एट 10% डिस्काउंट एट 10% प्रीमियम, फिर उसके बाद एट 10% प्रीमियम एट पार एट 10% डिस्काउंट। तो ये जो मैंने अभी रेड पेन से अंडरलाइन किया है दैट इज इशू, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है खुद देखो, and redeemable at a premium of 5%। मतलब हम लोगों को इशू के बारे में भी बोला है एंड एट द सेम टाइम उसकी रिडम्पशन के बारे में भी बोला है, ठीक है। तो जो भी मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है वो हम ना थोड़े टाइम के बाद करेंगे, पहले जो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया ना उसका एंट्रीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, जो रेड पेन से अंडरलाइन किया। चलो लेट्स सी क्या आएगा, जर्नल एंट्री नंबर 1, क्या एंट्री आएगा, देखो इशू 12% 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 इच एट पार। चलो पार पे इशू किया जर्नल एंट्री, सर जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर का इंटरेस्ट है 12%, तो 12% डिबेंचर अकाउंट, ये इशू एट पार हो गया, राइट। अमाउंट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करते, थोड़े टाइम की बात करेंगे। सेकंड क्या है सर, एट 10% डिस्काउंट बोला है, 10% डिस्काउंट बोलो एंट्री, सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा मिलेगा,
लॉस हो गया तो एंट्री डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट. थर्ड एट 10% प्रीमियम एंट्री सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ये समझा? यस सर. बोलो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है सर? 1 लाख. फेस वैल्यू कितना है? 100. तो बिना दिमाग लगाए 1 लाख इंटू 100 एंड 1 लाख इंटू 100 डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू. बराबर है? ओके चलो पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में इशूड एट पार था तो कैश बैंक भी क्या आएगा? 1 लाख इंटू 100. 100 का था, 100 में बेचा. सेकेंड वाले केस में 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट तो 100 का 10% बोले तो 10 रुपीज. तो जो मेरा डिस्काउंट है दैट विल बी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे 10 रुपीज का लॉस. अब बोलो आउट ऑफ 100 10 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दिया तो कितने पैसे मैंने लिए होंगे? सो 90. तो 1 लाख इंटू 90, राइट? श्योर. थर्ड 10% प्रीमियम मतलब हमने 10% एक्स्ट्रा लिया. फेस वैल्यू 100 है उसका 10% विल बी 10 रुपीज. तो जो प्रीमियम है दैट विल बी 1 लाख इंटू 10. तो 100 की जगह पे हमने कितना लिया होगा? 110. सो कैश बैंक विल बी 1 लाख इंटू 110. समझा? यस सर. अमाउंट बताओ सर. 1 लाख इंटू 100 कम्स टू 100 लाख्स. 100 लाख्स बोले तो 1 crore. 1 लाख इंटू 90 कम्स टू 90 लाख्स. 1 लाख इंटू 10 कम्स टू 10 लाख्स एंड 1 लाख इंटू 100 कम्स टू 1 crore. 1 लाख इंटू 110 कम्स टू 1 crore 10 lakhs. This comes to 1 crore and 1 lakh into 10 comes to 10 lakhs. Sir, ये जो तीन एंट्री आपने किया ये तो सर नॉर्मल एंट्री है. फर्स्ट वाला issued at par, सेकेंड वाला issued at discount और थर्ड वाला issued at premium. इसमें नया क्या है? ये तो नॉर्मल है. इसमें नया इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिडीमेबल एट पार लिखा है. रिडीमेबल एट पार का मतलब होता है कि तुमको सिर्फ फेस वैल्यू का पेमेंट करना है. योर लाइबिलिटी इज ओनली फेस वैल्यू. तो कभी भी अगर रिडीमेबल एट पार बोला है, रिडीमेबल एट पार बोला है तो तुमको सिर्फ नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री करना है. अंडरस्टूड? ओके सर, समझा. अब बताओ यहां पे क्या लिखा है? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम ऑफ 5%. मतलब अब जो है That is redeemable at a premium of 5%. चलो redeemable के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले issue का बात कर लेते हैं. पहले issue का बोलो क्या लिखा है सर? 10% premium. Okay, तो पहले normal issue का बात करेंगे, 10% premium का बात करेंगे. चलो fourth 10% premium बोलो, entry बताओ premium का.
सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर है? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वाला करते हैं। बोलो क्या है फिफ्थ वाला? एट पार बोला है, सो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, वेरी नाइस। एंड देन सिक्स्थ वाला करते हैं, वो बोला है एट 10% डिस्काउंट एंट्री। सो डिस्काउंट का एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बोले तो लॉस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, राइट? अमाउंट का देख लेते हैं। अमाउंट में दिस विल बी 1 लाख इंटू 100, प्रीमियम 10% है तो 1 लाख इंटू 10, कैश बैंक विल बी 1 लाख इंटू 110, पार पे 1 लाख इंटू 100, दिस विल बी 1 लाख इंटू 100, 10% डिस्काउंट, सो 1 लाख इंटू 90, 1 लाख इंटू डिस्काउंट का 10 एंड 1 लाख इंटू 100 बोले तो फेस वैल्यू। अमाउंट कितना आएगा? सर 1 करोड़ 10 लाख, दिस विल बी 1 करोड़ एंड दिस विल बी 10 लाख, दिस विल बी 1 करोड़ This will be 90 lakhs, 10 lakhs and 1 crore. Sir, यहां पे भी आपने क्या किया? Cash bank account debit to debenture to premium, cash bank account debit to debenture, कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, ये तो नॉर्मल एंट्री है, प्रीमियम का, पार का, डिस्काउंट का, इसमें आपने क्या किया एक्स्ट्रा? भैया जी ध्यान से देखो, मैंने सब जगह पे ना एक एक लाइन छोड़ दिया है। अब वो लाइन मैंने क्यों छोड़ा है देखो, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5%, 5%, मतलब आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब कभी भी वो डिबेंचर रिडीम होगा, हमको रिडम्पशन कब होगा पता नहीं है, बट हमको पता है कि हमको 5% एक्स्ट्रा देना है, 5% एक्स्ट्रा देना है। फटाफट मुझे बताओ, 5% अगर तुमको एक्स्ट्रा देना है तो दैट इज योर रिसीवेबल और पेएबल। सर एक्स्ट्रा देना है, देना है, दिया नहीं, देना है, मतलब पेबल, पेबल बोले तो लाइबिलिटी। और वो 5% क्या है? सर प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम? सर प्रीमियम पेबल। कब पे करना है? सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे। कब? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना? सर 1 लाख पे 5-5 रुपए के हिसाब से 5 लाख, मतलब मुझे 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, राइट? सिमिलरली यहां पे भी लाइबिलिटी क्रिएट होगा, तो टू प्रीमियम पेबल कब? ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना? 1 लाख इंटू 5, That comes to 5 lakhs, right? Similarly, यहां पे भी टू प्रीमियम पेबल ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना सर? 1 लाख पे 5-5 रुपए के हिसाब से टोटल 5 लाख ऑफ रुपीज। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया? ओके सर, अब ये तो समझ में आ गया कि हमको यहां पे ये क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि वो पेबल है। कब पेबल है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, राइट। लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो अमाउंट हमको पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ये ओनर को पे करना है या किसी बाहर वाले को? सर ये तो पे करना है डिबेंचर होल्डर को, लेंडर को, एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर वाले को। तो रूल सेज कि तुमको इसके लिए प्रिकॉशन आज से ही लेना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 5 लाख हम लोग पे कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है एक टाइप का? सर वो तो लॉस है, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं उन लोगों को, सो दैट बिकम्स अवर लॉस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जितना अपना प्रीमियम पेबल है उतने ही अमाउंट का, सेम टू सेम अमाउंट का यहां पे लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि ये लॉस मैं कब बुक कर रहा हूं? एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू। तो जितना मेरा अमाउंट है प्रीमियम पेबल का, द सेम अमाउंट विल बी माई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। और ये जो लॉस है ना, ये लॉस, दिस बिकम्स माई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नाम तो सुना होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और इसको ना हम लोग हर साल धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करेंगे, राइट। चलो बताओ नेक्स्ट वाले एग्जांपल में कितना है प्रीमियम पेबल? सर 5 लाख। तो जितना प्रीमियम पेबल उतने का ही क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 5 लाख। क्योंकि यहां पे भी तो प्रीमियम पेबल 5% ही था, और यहां पे भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल गेट डेबिटेड, कितने से? 5 लाख। तो समझ में आया, जितने का प्रीमियम पेबल उतने का लॉस हमको बुक करना है, जितने का प्रीमियम पेबल उतने का मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मेरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है? 5 लाख। थर्ड वाले एग्जाम्पल में कितना है? सर देखो यहां पे ये जो डिस्काउंट दिख रहा है और ये जो लॉस, ये दोनों भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जिसको हम लोगों को एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना पड़ेगा, एंड इट विल बी डेबिटेड टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? समझा ये पॉइंट? तो एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल अपने को एंट्रीज करना है अपना, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट वाला, और रिडीमेबल एट पार है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, मतलब फ्यूचर में तुमको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए प्रिकॉशन आज से करो। फ्यूचर में पेबल है तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करो, और जितना भी तुम प्रीमियम पे करेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर लॉस, तो उस लॉस को डेबिट कर दो, दैट लॉस विल बिकम योर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और अगर डिस्काउंट तुमने दिया रहेगा तो डिस्काउंट ऑल्सो बिकम्स योर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सर एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा मतलब कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? उसके लिए अलग से सम है कि हर साल ये जो लॉस है, ये जो डिस्काउंट है, एवरी ईयर कितना राइट ऑफ करना चाहिए, तो वो जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तभी हम लोग उसमें देखेंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, मैं थोड़ा सा रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, क्या लिखा, लेट्स सी।
गिव जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस अज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर बीइंग ₹100। बोलो फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू है 100। ओके चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट वन, अ डिबेंचर इशूड एट ₹100। इशूड एट 100 मतलब इशूड एट पार, रिडीमेबल एट 100 मतलब रिडीमेबल भी एट पार है। तो देखो जब वो रिडीमेबल एट पार होता है, रिडीमेबल एट पार तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। रिडीमेबल एट पार मतलब रिटर्न देते वक्त तुमको 100 का 100 ही पे करना है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी नॉर्मल इशू करने का एंट्री। चलो ये है इशूड एट पार, दिस इज इशूड एट डिस्काउंट, दिस इज इशूड एट प्रीमियम, राइट। तो फटाफट तीनों का एंट्री देख लेते हैं। पहला, इशूड एट पार एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट 100 100, इशूड एट पार। चलो इशूड एट डिस्काउंट, ₹95 में बेचा एंट्री, सर एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर फेस वैल्यू पे 100, डिस्काउंट का ₹5 एंड कैश बैंक विल बिकम 95, राइट। चलो ये हो गया अपना इश्यू एट डिस्काउंट। देन नेक्स्ट, इश्यूड एट प्रीमियम, सर प्रीमियम पे इशू किया तो एंट्री क्या आएगा? सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और प्रॉफिट हो गया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? ₹5 का, फेस वैल्यू है 100, दोनों मिला के हो जाएगा 105। तो ये तीन एंट्री हम लोगों ने कर लिया जो अपना नॉर्मल सिंपल इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री है, और यहाँ पे रिडीमेबल एट पार था तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, लेट्स सी वहां पे क्या है। ओके चलो अब ये क्या है, अ डिबेंचर इशूड एट 100 मतलब इशूड एट पार है, रीपेबल एट 105 मतलब रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹5, 100 के जगह पे 105 पे कर रहे हैं। सिमिलरली डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 105 मतलब रीपेबल एट प्रीमियम, बराबर। अच्छा अभी के लिए व्हाट वी विल डू, रीपेबल एट 105 रीपेबल एट 105 फिलहाल इसको साइड में रखो। नॉर्मल एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री इशू एट पार का और इशू एट डिस्काउंट का, नॉर्मल एंट्री। चलो नॉर्मल एंट्री इशू एट पार, सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, वेरी गुड, अमाउंट 100 and 100 क्योंकि इशूड एट पार है, वेरी नाइस। चलो इसका एंट्री बताओ, सर इशूड एट 95 बोला मतलब डिस्काउंट, एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर फेस वैल्यू पे 100, डिस्काउंट पे ₹5 और कैश बैंक में आ जाएगा 95। ये समझा? यस सर, इशूड एट पार एंड इशूड एट डिस्काउंट, ये नॉर्मल एंट्री अपन ने कर दिया। अब मुझे व्हाट इज प्रीमियम पेबल, सर प्रीमियम पेबल मतलब 100 के ऊपर हम ₹5 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो माई प्रीमियम पेबल विल बी ₹5। तो प्रीमियम पेबल मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू प्रीमियम पेबल, लेकिन कब? ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम पेबल लेकिन कब? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे, दैट इज ₹5। और जितना तुम पे करोगे, मान लिया कि तुम फ्यूचर में पे कर रहे हो लेकिन वो फ्यूचर का लॉस है तो अभी से उसको समझ के चलना पड़ेगा। तो उसी ₹5 को, उसी प्रीमियम पेबल को हम क्या बोलेंगे? लॉस, लेकिन कभी ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर इशू किया इसीलिए लॉस हो रहा है, तो उसका नाम हम लोग बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री?
सर जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5, टू डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू 100, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी 5। सिमिलरली यहाँ पे भी कर देंगे तो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी 5, और वही 5 रुपीज अपने लिए लॉस हो जाएगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल गेट वॉट डेबिट। क्लियर? चल, तो ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू व्हाट, इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन डिबेंचर इश्यू करके नॉर्मली हमको पैसा मिलता है कैश, यहाँ पे हमने कैश नहीं लिया, इट इज अदर देन कैश, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। चलो तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। देखो, जेड लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ रुपीज 6 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 80,000 ऑफ सी लिमिटेड। चलो मुझे एक बात बताओ, तुमने सी लिमिटेड का, किसका, सी लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, उसके पास से तुमने असेट्स खरीद लिया। कितने का असेट्स खरीदा? सर असेट्स है 6 लाख। वेरी गुड। तो अगर असेट्स खरीदा है तो इन शॉर्ट बोले तो हमको 6 लाख पे करना चाहिए। हमने ना असेट्स के साथ साथ उसका लाइबिलिटीज भी खरीद लिया 80,000 का, तो यहाँ पे असेट में से लाइबिलिटी जो है वो माइनस हो जाएगा, लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 80,000, राइट। सो 5,20,000 इज माई नेट असेट्स। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे इस सी लिमिटेड को 5,20,000 रुपीज पे करना चाहिए, तो दैट बिकम्स माय पीसी। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसीडरेशन। तो मैंने इन ऑल टोटल 6 लाख का असेट खरीदा, 80,000 का लाइबिलिटी, मतलब ये लाइबिलिटी मैं पे करेगा, तो जितना लाइबिलिटी मैं पे करूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट हम असेट्स को माइनस कर देंगे क्योंकि उसका लाइबिलिटी भी हम पे कर रहे हैं। तो राउंड एंड राउंड मुझे पे तो करना है 6 लाख, लेकिन मैं 6 लाख कैसे पे करूंगा, 5,20,000 सी को पे करूंगा और 80,000 में लाइबिलिटी को पे करूंगा। ओके, देन सी को मुझे कितना पे करना है? सर सी को मुझे पे करना है 5,20,000 रुपीज, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, माय नेट असेट इज 5,20,000, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे बोला है फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5,40,000। हे भगवान, मतलब यहां पे ये जो पीसी है, पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन, वो परचेज कंसिडरेशन होना चाहिए था 5,20,000, बट यहां पे हम लोगों ने दे दिया है 5,40,000 का कंसिडरेशन, मतलब वी हैव अग्रीड टू पे 5,40,000। सर मुझे एक बात बताओ ना, हमने तो असेट्स खरीदा सिर्फ 60,000 का, चलो उसमें लाइबिलिटी खरीदा 80 का, तो पे करना चाहिए 5,20,000, हम पे कर रहे 5,40,000। तो बताओ अगर हम 5,20,000 के जगह पे अगर 5,40,000 पे कर रहे हैं तो डू यू थिंक कि हम पागल है? बिल्कुल नहीं। हम जिस कंपनी को खरीद रहे कॉमन सेंस से, वो बेचारे का कुछ ना कुछ तो गुडविल होगा मार्केट में, इतने सालों से वो भी कंपनी चला रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका मार्केट में गुडविल होगा। तो वॉट एवर अमाउंट वी आर पेइंग एक्स्ट्रा, दैट इज 20,000, उस 20,000 को हम बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। क्लियर? चल अब लेट अस अज्यूम, अजम्पशन कि इसको ना हमने 5,40,000 पे कर दिया, 5,40,000 पे किया, अजम्पशन है, तो एंट्री क्या आएगा वो देखो, एंट्री क्या आएगा वो देखो। सर हमने ना असेट्स खरीदा, असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट, असेट्स को खरीदा तो असेट बढ़ेगा,
तो असेट को डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री विल बी असेट अकाउंट डेबिट, कितना 6 लाख। सर हमने ना लाइबिलिटी भी खरीदा, लाइबिलिटी खरीदा तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट बढ़ाने के लिए फिर से क्रेडिट है, तो यहां पे आ जाएगा टू लाइबिलिटी अकाउंट, दैट विल बी 80,000। बराबर है, हमने असेट्स खरीदा, हमने लाइबिलिटी खरीदा, हमने गुडविल भी खरीदा है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, बट है तो असेट, तुमने खरीदा तो है, असेट है, खरीदा है मतलब बढ़ेगा, तो असेट बढ़ेगा मतलब हमको गुडविल अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, कितने से 20,000, राइट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द बैलेंस। सर देखो 6 लाख प्लस 20,000 माइनस 80,000, सर बैलेंस है 5,40,000, और वो 5,40,000 क्या है सर, इट इज पीसी, और ये परचेस कंसिडरेशन हम लोग किसको देने वाले हैं, हम लोग देने वाले हैं सी लिमिटेड को, सी लिमिटेड को 5,40,000 देना है, मतलब इट बिकम्स ओवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे टू सी लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट विल बी 5,40,000। क्लियर विद दिस एंट्री। चलो अभी मैंने सी लिमिटेड को क्रेडिट किया बिकॉज इट इज पेबल, चलो भैया फटाफट पे करके खत्म करो, तो एंट्री क्या आएगा, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट 5,40,000 एंड 5,40,000। अगर कैश में पे किया है तो ये एंट्री आएगा, ओके, ये मेरा अजम्पशन है कि वो कैश में पे किया है, ठीक है, सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट्स सी। अब उसने क्या बोला है देखो जरा, टू बी सेटिस्फाइड, टू बी सेटिस्फाइड का मतलब होता है ये जो पीसी है परचेस कंसिडरेशन, ये हम लोग कैसे पे करेंगे, टू बी सेटिस्फाइड कैसे, टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, मतलब हम लोग उसको डिबेंचर इशू करने वाले हैं, क्या इशू करने वाले हैं, डिबेंचर, ठीक है। अच्छा अब एक मुझे बात बताओ, अब छोड़ दो इसको डिबेंचर हम लोग नहीं दे रहा, मैं नॉर्मल डिबेंचर अगर इशू करेगा, नॉर्मल डिबेंचर तो एंट्री क्या आएगा सर, अगर मैं नॉर्मल डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। चलो फॉर एग्जाम्पल 5,40,000 का ही कर रहा हूं, 5,40,000, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने सी को कैश पे किया तो पैसे गए, मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया तो पैसे आए, जितना पैसा गया उतना ही पैसा आया, तो कैन वी से कि अगर सी लिमिटेड को मैंने डिबेंचर इशू किया सो दिस विल बी द एंट्री, क्योंकि कैश एंड कैश विल गेट कैंसिल, राइट। तो मैंने क्या किया, सी लिमिटेड को कैश देने के बजाय मैंने उसको डिबेंचर इशू किया, सी लिमिटेड को कैश देने के बजाय मैंने क्या इशू किया, डिबेंचर। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्लियर, ठीक है। अब ना मैं क्या कर रहा हूं, ये सब है ना डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और ये डिलीट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, सी लिमिटेड को पे कितना करना है सर, सी लिमिटेड को पे करना है 5,40,000, ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब मैं यहां पे ना तीन कंडीशन लिख देता हूं, ए, उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे बी, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे सी,
तीन कंडीशन, कौन सा तीन कंडीशन, केस ए, केस बी, केस सी। पहला क्या दिया है देखो, सच डिबेंचर आर इश्यूड एट पार। अब मेरे को बताओ नॉर्मल से एंट्री इश्यू एट पार का, सर इश्यू एट पार का एंट्री आएगा कैश बैंक टू डिबेंचर, लेकिन ये कैश मिलेगा क्या? नहीं, ये हम लोग किसको दे रहे हैं? सी लिमिटेड को। तो एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री विल बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हम लोग फिलहाल अमाउंट का बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, जस्ट इग्नोर दी अमाउंट। ओके आगे चलो। दूसरा, सच डिबेंचर आर इशूड एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम, ओके। प्रीमियम पे एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री विल बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि तुमने प्रीमियम पे इश्यू किया तो प्रीमियम बिकम्स योर प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट। तो एंट्री विल बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, देन सच डिबेंचर्स आर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। ओ, तो एंट्री क्या आएगा? सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बराबर है यहां तक? सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, अब इन तीनों भी केसेस में ए बोलो, बी बोलो या सी बोलो, हमको सी को अमाउंट कितना पे करना है? सर वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 5,40,000। तो मुझे क्या करना है? अगर सी का अकाउंट मेरे को सेटल करना है या सी का अकाउंट मुझे टैली करना है तो मैं क्या करूंगा? सी को डेबिट कर दूंगा 5,40,000 से। तो ये जो सी है इट विल गेट डेबिटेड बाय 5,40,000। वॉट एवर मे बी द केस, तुम डिबेंचर उसको इश्यू करो एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, उसको मिलना चाहिए 5,40,000 रुपीस। बात खत्म। तो मैंने क्या किया, सी लिमिटेड को जितना क्रेडिट था मैंने उतने से डेबिट कर दिया इन ऑल दी केसेस। अब याद रखना केस ए, केस बी और केस सी तीनों के बीच में और है, केस ए और केस बी और केस सी, एक ही बंदे को तीन तीन बार पेमेंट नहीं करेंगे, है ना? हाँ ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बराबर है। अब यहां पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है। मुझे बताओ व्हाट इज द फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू 1,000 रुपीज। देखो यहां पे ईच बोला ना, ईच मतलब एक, एक डिबेंचर 1,000 रुपए का, मतलब उसका फेस वैल्यू 1,000 हुआ। ओके, इश्यूड एट पार बोल दिया तो बात खत्म। 20% प्रीमियम, तो बताओ व्हाट इज माय सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ईच डिबेंचर। हर एक डिबेंचर का प्रीमियम कितना होगा सर? 1,000 × 20% दैट कम्स टू 200। वेरी नाइस। और मुझे बताओ 10% डिस्काउंट है, हर एक डिबेंचर का डिस्काउंट बताओ, व्हाट इज माय डिस्काउंट ऑफ ईच डिबेंचर। सर फेस वाले 1,000, उसका 10% बोले तो 100 रुपीज, बराबर है। यस ठीक है। अब मुझे बताओ डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट व्हाट? फेस वैल्यू। तो नंबर इनटू 1,000, फेस वैल्यू 1,000 है ना, यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू 1,000, यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू 1,000। तो डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। तो मैंने क्या किया, ये डिबेंचर है फेस वैल्यू 1,000, ये डिबेंचर है फेस वैल्यू 1,000, ये डिबेंचर है तो फेस वैल्यू है 1,000। ये तक यहां तक समझा? ओके सर। अब मुझे बताओ प्रीमियम कितना परसेंट है? सर प्रीमियम है 20%, उस हिसाब से 200 पर डिबेंचर। ओके, तो ये जो प्रीमियम है
ये जो प्रीमियम है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रीमियम का 200 और डिस्काउंट कितना है सर 100, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू 100 क्योंकि डिस्काउंट 100 रुपीज पर शेयर है। यहां तक समझा? यस सर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ पहला केस, केस नंबर वन, इशूड एट पार, मतलब क्या सर? जितना फेस वैल्यू उतने में बेचा, बोलो फेस वैल्यू कितना है 1000, तो सी लिमिटेड के पास से लेंगे कितना 1000, तो डैश नंबर इन 2000, वेरी गुड। इशूड एट प्रीमियम, बोलो फेस वैल्यू कितना है 1000, प्रीमियम कितना है 200, इशू प्राइस सर 1200, तो सी लिमिटेड के मैं यहां पे मैं लिखूंगा डैश नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू 1200। एंड सिमिलरली अगर मैंने डिस्काउंट बोला तो फेस वैल्यू 1000 है, उसमें से 100 रुपीज का डिस्काउंट है, तो सी लिमिटेड से कितना लेंगे 900, तो डैश नंबर इनटू 900। यहां तक समझा? यस और नो? ओके। अब मैंने क्या किया मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जगहों पर तुम्हारा ये काम हो जाएगा, सो प्लीज लिसन केयरफुल। डिबेंचर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, डिस्काउंट मतलब लॉस, लॉस बोले तो डेबिट, राइट? डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे, सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर लो, डैश डैश लिख दो जहां कहीं पे भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, इनटू डिबेंचर है तो फेस वैल्यू करो, प्रीमियम है तो प्रीमियम करो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करो, राइट? अब यहां पे बोला था इशूड एट पार, इसीलिए 1000 है, यहां बोला था इशूड एट प्रीमियम मतलब 1000 रुपीज का फेस वैल्यू, 200 का प्रीमियम, टोटल 1200, और यहाँ पे ये 900 कैसे आया, 100 रुपीज का डिस्काउंट है, फेस वैल्यू 1000 माइनस डिस्काउंट 100, तो इश्यू प्राइस हो गया 900। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, दिस नंबर इनटू 1000 इज इक्वल टू 540, तो बताओ फटाफट हाउ मेनी नंबर्स। सर देखो, नंबर इनटू 1000 इज इक्वल टू 540, तो सर ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 540,000 डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट गिव्स मी 540 नंबर्स, दैट गिव्स मी 540 नंबर्स, और वही 540 यहाँ पे भी रहेगा। बोलो 540 इंटू 1000 कम्स टू 540,000। अरे सर ये क्यों इतना टिटिमा करके किया, ये तो कितना इजी था सर, इशू एट पार बोला तो सेम आएगा। अरे बाबा मुझे भी पता है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो वो आया कैसे। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला, ये नंबर्स इंटू 1200 इज इक्वल टू 540, 1200 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 540 डिवाइडेड बाय 1200, तो नंबर्स आ गया 450, तो यहां पे लिख दो 450, यहां पे लिख दो 450, और यहां पे भी लिख दो 450 नंबर्स, राइट? अगर तुमने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किया तो सब जगह पे नंबर तो सेम ही रहेगा, राइट? चलो 450 इंटू 1200 गिव्स यू 540, 450 इंटू 1000 गिव्स यू 450,000, एंड 450 इंटू 200 गिव्स यू 90,000। चलो फटाफट मेरे को बताओ प्रीमियम कितना परसेंट था, सो 20%, जरा कैलकुलेट करके देखो ना, ये फेस वैल्यू 450, तो 450 उसका 20%। अरे हाँ सर, ये तो 90,000 आ भी रहा है, वेरी गुड। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। बोलो डैश नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू 900 विल गिव यू 540, तो 900 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 540 डिवाइडेड बाय 900 गिव्स यू 600 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो बस जहां जहां पे भी डैश है वहां पे 600, 600 यहाँ पे भी 600। बोलो 600 इंटू 100 गिव्स यू हाउ मच सर, 60,000 डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 डेबिट, 600 इंटू 1000 कम्स टू 6 लाख, तो दिस कम्स टू 6 लाख, और मुझे बताओ डिस्काउंट कितना परसेंट था सर, 10%,
फेस वैल्यू है 6 लाख, उसका 10% गिव्स यू 60,000 ओनली। क्लियर? तो ये सम बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। आई विल सजेस्ट यू कि वीडियो यहाँ पे पॉज करो और इसी सम को बिना देखे वापस से पूरा का पूरा ट्राई करो, कॉपी करके करना पाप है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ रुपीज 230 लाख्स एंड लाइबिलिटी ऑफ 30 लाख्स ऑफ पी क्यू आर कंपनी लिमिटेड। तो वंस अगेन सेम टाइप का सम है, देख लेते कैसे करना है। हम लोगों ने किसका बिजनेस खरीदा है? सर हमने खरीदा है पी क्यू आर लिमिटेड का बिजनेस, बराबर है। क्या खरीदा? सर उसके असेट्स खरीदे। असेट्स कितने में खरीदा? सर 230 लाख्स में। लाइबिलिटी कितने में खरीदा? सर लाइबिलिटी खरीदा है 30 लाख्स में। लाइबिलिटी खरीदा है 30 लाख्स में। बताओ व्हाट इज योर नेट असेट्स? सर जो अपना नेट असेट्स है सर दैट इज 200 लाख्स, बराबर। ओके, अब उसने क्या बोला है? फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 220 लाख्स। ओ माई गॉड, मतलब हम लोग कितना देने के लिए रेडी है? 220 लाख्स। तो बताओ अगर मैं बोलता हूं परचेज कंसिडरेशन इज 220 लाख्स, मतलब हम लोग पी क्यू आर लिमिटेड को कितना पे करेंगे? सर परचेज कंसीडरेशन के हिसाब से 220 लाख्स। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? सर 20। वो एक्स्ट्रा क्या है? दैट इज नथिंग बट व्हाट? गुडविल, राइट। श्योर, तो ये हो गया। अब उसने क्या बोला है आगे भी पढ़ लेते हैं। द एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, मतलब हम लोग, द एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन इशूइंग डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम। मतलब हमने डिबेंचर इशू किया जिसका फेस वैल्यू 100 है, 10% प्रीमियम का मतलब रुपीज 10 इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू 100 है, 100 का 10% तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 10 रुपीज। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, बराबर है। तो अब जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्री इज वेरी वेरी इजी। चलो जर्नल एंट्री नंबर वन बोलो क्या आएगा। अच्छा सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड। ओके, एंट्री क्या आएगा बोलो? सर एंट्री आएगा असेट्स अकाउंट डेबिट 230, मतलब ये टू टू लाइबिलिटी अकाउंट दैट इज 30, मतलब ये 30। गुडविल अपना असेट है तो डेबिट होगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज 20, राइट। सो इट विल बिकम टू पी क्यू आर लिमिटेड अकाउंट, कितना? 220। ये समझा? मतलब मुझे पी क्यू आर लिमिटेड को 220 लाख्स पे करना है। क्लियर? चलो जितना क्रेडिट किया उतना हम क्या करने वाले? डेबिट करेंगे। तो पी क्यू आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से? 220। टू कौन सा वाला? डिबेंचर इशू कर रहे कितना परसेंट? सर डिबेंचर का ना सर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं, परसेंटेज दिया नहीं, तो हम लोग नहीं लिख सकते, इट्स ओके। तो टू डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर है। बोलो डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ओके, तो डिबेंचर में हम क्या करेंगे? डैश नंबर इंटू फेस वैल्यू 100,
प्रीमियम कितना है? सर डैश नंबर इनटू प्रीमियम है 10 रुपीज। अब मुझे बताओ फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम है 10 रुपीज, तो टोटल कितना हुआ? इश्यू प्राइस विल बी 110, तो यहाँ पे लिख दो डैश इनटू इश्यू प्राइस 110। अब मुझे बताओ दिस मच नंबर इनटू 110 विल गिव यू 220, तो ये जो मल्टीप्लाई है वो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 220 डिवाइडेड बाय 110 दैट कम्स टू 2 लाख। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ओके तो बोलो अभी 2 × 100 दैट कम्स टू 200 एंड 2 × 10 दैट कम्स टू 20 लाख। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हमने PQR लिमिटेड को 2 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए ऑफ रुपीज 10 ईच एट रुपीज सॉरी ऑफ रुपीज 100 ईच एट रुपीज 110। क्लियर? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऐसे टाइप के ना क्वेश्चंस तुम लोगों को ना एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। और ये जो सम है या फिर ये जो एग्जाम्पल है या ये जो टाइप है जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो डिस्काउंट होता है, जो लॉस होता है, उसको हम लोग एवरी ईयर कैसे और कितना राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इट बिकम्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ऑन 1 January 2015 ई लिमिटेड इशूड 500 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओहो, तो देखने जाएंगे तो उसमें क्या क्या बोला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये डेट दिया है, ई लिमिटेड अपने कंपनी का नाम है, इशूड 500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नाम है 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू है 100, 10% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट का जो अमाउंट है दैट इज 10 रुपीज पर शेयर, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम मतलब अपना जो प्रीमियम पेबल है दैट इज रुपीज 10 पर शेयर। तो मेरा जो प्रीमियम पेबल है वो भी 10% है, प्लस मैंने डिस्काउंट दिया वो भी 10% है, तो यहां पे हो गया मुझे डबल लॉस। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री मुझे वो बताओ। सर अगर हम लोग जर्नल एंट्री का बात करें तो डेट आएगा 1/1/15, डेट विल बी 1/1/15, एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा अगर अमाउंट का बात करें, नंबर है 500, फेस वैल्यू 100, नंबर है 500, फेस वैल्यू इज 100, डिस्काउंट का अमाउंट 500, डिस्काउंट का अमाउंट है पर डिबेंचर इज 10, 100 में से 10 का डिस्काउंट दिया तो इश्यू प्राइस विल बी 90, तो 500 नंबर्स इनटू 90, सो व्हाट विल बी द अमाउंट। देखो 500 इनटू 100 गिव्स यू 50,000, 500 इनटू 10 गिव्स यू 5,000 एंड 500 इनटू 90 गिव्स यू 45,000। ये हो गया अपना नॉर्मल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, लेकिन प्रीमियम पेबल भी है तो बताओ क्या करेंगे। टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और जितने का प्रीमियम पे करोगे वही अपने लिए क्या बन जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट। तो बोलो कितना तुम प्रीमियम पे कर रहे हो। सर 500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे 10 रुपीज का ईच, क्योंकि 10% प्रीमियम पे बोले फेस वैल्यू 100, 100 का 10% गिव्स यू 10, राइट। तो 500 इंटू 10 दैट गिव्स यू 5,000,
तो जो मेरा लॉस है वो भी कितना रहेगा, 5,000। ओके, अब यहाँ पे मिसिलेनियस एक्सपेंडिचर क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 का मिसिलेनियस एक्सपेंडिचर है, एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये जो 5,000 है ये भी मिसिलेनियस एक्सपेंडिचर है। ओके, मतलब ये दोनों भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है और इसको हर साल राइट ऑफ करके हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? अच्छा मुझे बताओ, राइट ऑफ करना मतलब कम करना। मुझे बताओ ये जो डिस्काउंट है इसका बेसिक बैलेंस क्या है? सो डेबिट। ये जो लॉस है इसका बेसिक बैलेंस क्या है? सो डेबिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा? सो क्रेडिट। और ये ट्रांसफर होगा कहां पे? सो पीएनएल। कब होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये दोनों एंट्री को मर्ज करके तुम एक एंट्री भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड टू लॉस, राइट? अब हमको करना क्या है, ये जो एंट्री है राइट ऑफ करने का, ये एंट्री एंड ये एंट्री, ये हर साल के एंड में करना पड़ेगा, एवरी ईयर। क्वेश्चन ये है कि सर राइट ऑफ तो कर देंगे बट इसका अमाउंट क्या आएगा? व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर? हर साल राइट ऑफ करने का अमाउंट क्या आएगा? तो दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग, दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन ने इसके बारे में क्या दिया है, रीड करते हैं जरा। रिक्वायर्ड क्या बोला है? शो द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं। यहां पे उसने क्वेश्चन में ना पूछा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सर लॉस का मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इसी का अकाउंट पूछा है क्या? ना बाबा ना। इसने क्या किया है, दोनों को साथ में मर्ज करके टोटल 10,000 का लॉस अज्यूम किया है टोटल। बट तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, व्हाट वी विल बी डूइंग, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अलग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट अलग, ये दो अलग अलग अकाउंट हम लोग बनाएंगे ओनली फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? लेकिन अगर मान लो एग्जाम में सेम समा गया तो व्हाट वी कैन डू, लॉस और डिस्काउंट का अलग अलग करना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करोगे तो भी चलेगा, या फिर डिस्काउंट को तुम क्या करो, यहां पे जब तुम लोग जर्नल एंट्री लिखोगे तो ये डिस्काउंट लिखो ही मत, डोंट राइट दिस डिस्काउंट एट ऑल, डायरेक्टली लॉस का अमाउंट लिख दो 10,000, डायरेक्टली लॉस का अमाउंट लिख दो कितना 10,000, उस 10 के अंदर डिस्काउंट भी इंक्लूड कर लो, समझा? वो तो मुझे एक्सप्लेन करना है कि दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या करना है, इसीलिए मैं दोनों को, मैंने उसको क्या किया, अलग अलग रखा है। ओके चलो, तो यहां पे उसने पूछा सिर्फ लॉस का है, बट हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी बनाएंगे एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी बनाएंगे, दोनों का अमाउंट विल बी 5,000। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, कि डिस्काउंट भी एक टाइप का लॉस है, तो 5 + 5 टोटल मिला के 10,000 का एक ही अकाउंट बनाओ, बात खत्म। ओके चलो, अब उसने क्या दिया देखो, उसने ना यहाँ पे दो केसेस दिए, यहाँ पे देखो दो केसेस, एक बोला है पॉइंट नंबर वन, इफ इफ पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू, तो ये दो अलग क्वेश्चन है ऐसे अज्यूम करके चलो, दो अलग क्वेश्चन, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब मैं पहले ना सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ता हूं, सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स। तो इससे ना हम लोगों को ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि ये जो अमाउंट है जो हमको हर साल राइट ऑफ करना है, एवरी ईयर राइट ऑफ करना है, दैट डिपेंड्स
कि तुम डिबेंचर को रिडीम कितने साल में कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो यहां पे देखो उसने क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया है, क्या बोला है, सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद रिडीम होगा। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, आफ्टर 4 ईयर्स, ध्यान से सुनो, आफ्टर 4 ईयर्स रिडीम होगा, बराबर है। चलो मैंने यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से सुनो, लिसन कैरफुली, ठीक है। यहां पे ये डेट है 1/1/15, बोलो 1 साल कब खत्म होगा, सर 31 दिसंबर 15 को फर्स्ट ईयर, देन 31 दिसंबर 16 को सेकेंड ईयर, 31 दिसंबर 17 को थर्ड ईयर, एंड 31 दिसंबर 18 को फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा, बराबर है। मैंने यहां पे 4 लाख रुपीस पब्लिक से ले लिया, 4 लाख रुपीस, एंड इनके पैसे मैं कब रीपे करूंगा, आफ्टर 4 ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब मैं यहां पे रीपे करने वाला हूं फोर्थ ईयर के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, बराबर है। ओके सर, अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, फर्स्ट ईयर में अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना है, फर्स्ट ईयर में अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना है, तो मैं कौन से अमाउंट पे करूंगा, व्हाट विल बी माय इंटरेस्ट का अमाउंट। सर देखो यहां पे देखो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, डिबेंचर है 4 लाख का, तो 4 लाख पे 10% मतलब 40,000, वेरी वेरी गुड। बट मुझे सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट भरेंगे। द आंसर इज कि सर हम लोग 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करेंगे, वेरी गुड। चलो बताओ सेकेंड ईयर में तुम कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेगा, कौन से अमाउंट पे। सर सेकेंड ईयर में भी 4 लाख पे ही तो पे करेंगे, वेरी नाइस। चलो थर्ड ईयर में तुम कौन से अमाउंट पे करेगा, सर क्या पूछ रहे हो सर, वो भी 4 लाख पे ही तो आएगा, वेरी गुड। लास्ट ईयर पे तुम कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करोगे, सर वो भी 4 लाख ही आने वाला है, राइट। तो मैंने ये जो अमाउंट लिखा है ना, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब इतना बाकी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसी का ना रेशियो निकालेंगे, इसी का रेशियो निकालेंगे, रेशियो। सर इसका रेशियो क्या आएगा, 4 लाख इज टू 4 लाख इज टू 4 लाख इज टू 4 लाख इज टू 4 लाख, सब कट कट होके 1:1:1:1 आएगा, सिंपल। तो तुमको क्या करना है, ये जो डिस्काउंट है, ये जो लॉस है, उसको 1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 1:1:1 बोले तो 4, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इज 1250, 1250, 1250 एवरी ईयर, मतलब ये डेट पे और ये डेट पे ये सेम एंट्री करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एंड सेकंड विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। समझा मैंने क्या बोला, श्योर। चल अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी द लेजर अकाउंट। चल अब लेजर अकाउंट देख लेते हैं हम लोग फटाफट। यहां पे मैं एक लेजर अकाउंट बना देता हूं, ठीक है।
थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि 4 साल का बनाना है। पहले हम लोग बनाएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो मुझे जर्नी ट्रीज पढ़ के बताओ। सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम पेमेंट। तो ये जो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। और याद रखना तुमको ना नाम लिखना है 10% डिबेंचर अकाउंट। क्या नाम लिखना है? 10% डिबेंचर अकाउंट, ओके। तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड आ जाओ, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में डेट आ जाएगा 1/1/15, आई थिंक 1/1/15 ही है, यस 1/1/15 है। यहां पे आ जाएगा 2/10% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा डिस्काउंट का 5,000, राइट। तो ये हो गया अपना पहला वाला एंट्री, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड 2/10% डिबेंचर अकाउंट हो गया। अब हर साल के एंड में, एवरी ईयर एट द एंड, ये वाला एंट्री हमको करना पड़ेगा। डिस्काउंट को एवरी ईयर वी हैव टू राइट ऑफ। तो एंट्री क्या आएगा सर? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। डेट क्या आएगा सर? 31 दिसंबर 15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 1250 एवरी ईयर, क्योंकि रेशियो 1:1:1:1 है। तो हमने क्या किया, 5000 को डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो अमाउंट आ गया 1250, राइट। चलो पहला साल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बोलो 5000 - 1250, बैलेंस विल बी 3750 एंड दिस विल बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3750। डेट विल बी 1/1/16। सेकेंड ईयर में पूरे साल भर में डिस्काउंट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आएगा, डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर ये डेट पे वो होगा राइट ऑफ। चलो डेट 31 दिसंबर 16 राइट ऑफ करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ का अमाउंट सेम 1250, उसी डेट पे बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड अमाउंट विल बी 2250, सॉरी इट इज 2000, जरा चेक कर लो, माइनस 1250 करेंगे तो इट इज 2500। टैली करो, ये कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। नेक्स्ट ईयर का डे 1/1/17 1/1/2017 को बैलेंस ब्रॉट डाउन का, साल भर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला, ईयर एंड पे राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट अपने लिए लॉस है, बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट होगा, जर्नल एंट्री विल बी पीएनएल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट विल बी सेम 1250 और बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन विल बी 1250 एंड ये कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर 1/1/18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट विल बी 1250 अमाउंट विल बी 1250 एंड एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 31 दिसंबर 18 by profit and loss account amount will be 1250 and this account will tally, discount ka jo account hai it will tally। matlab kya, jis din debenture ko redeem kar rahe ho, jis din balance sheet mein se debenture will become zero, us din discount will also become zero। समझ में आ रहा है? जिस दिन बैलेंस शीट में से डिबेंचर निकलेगा, डिबेंचर के साथ में आया हुआ डिस्काउंट वो भी बैलेंस शीट में असेट साइड से इट विल बिकम जीरो। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वो जो डिस्काउंट था इट विल बिकम जीरो। क्लियर? जैसा जैसा मैंने ये डिस्काउंट के लिए किया है
डिक्टो सेम, अमाउंट भी सेम आएगा, हेडिंग आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि यहां पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों का जो अमाउंट है दैट इज 5000, दोनों का जो अमाउंट है दैट इज 5000, बराबर है, दोनों का अमाउंट 5000 है, राइट। और दोनों को राइट ऑफ करने का तरीका भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, राइट। चल तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर पॉइंट नंबर वन। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो क्या बोला है। सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 years। हे भगवान, क्या लिखा है सर? इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 years। पहली बात, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है रिडम्पशन, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है रिडम्पशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर रिडम्पशन कैसे होगा? उसने बोला है इक्वल और बोला है एनुअल। इक्वल का मतलब इक्वल, एनुअल का मतलब एवरी ईयर, मतलब हर साल के एंड में रिडम्पशन होगा और हर साल का जो रिडम्पशन का अमाउंट है इट विल बी सेम। एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन विल बी सेम। चलो देखते हैं इसको अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। देखो लाइन डायग्राम बना देते हैं अपना, कैसे आएगा। सबसे पहले डेट लिख देते हैं, डेट आएगा 1/1/15, देन 31st December 15, देन 31st December 16, 31st December 17, एंड देन 31st December 18। ओके, अब इसने क्या बोला है, यहां पे इस डेट पे 4 lakhs का इश्यू ऑफ डिबेंचर है, 4 lakhs का इश्यू ऑफ डिबेंचर है। अब वो क्या बोल रहा है, ये जो 4 lakhs है, ये जो 4 lakhs है हम हर साल रिडीम करेंगे, एवरी ईयर, वो भी इक्वल। तो करो 4 lakh divided by 4, मतलब हर साल तुम 1 lakh रिडीम करेगा, तो लो यहां पे -1 lakh हो जाएगा, यहां पे -1 lakh, यहां पे -1 lakh और यहां पे -1 lakh। और इस तरीके से ये जो टोटल 4 lakhs है, 1 lakh 2 lakh 3 lakhs 4 lakhs, मेरा पूरा का पूरा डिबेंचर विल बी रिडीम्ड, डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड। क्लियर? ओके सर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में तुमने डिबेंचर का कितना पैसा यूज किया? फर्स्ट ईयर में तुम कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करोगे? What will be your outstanding amount for the first year? Sir, public से हमने 4 lakh rupees लिया था, public से हमने 4 lakh rupees लिया था और पूरे के पूरे साल भर में हमने वो 4 lakh को यूज किया है, मतलब हमको 4 lakhs पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वेरी गुड। सेकेंड ईयर का बोलो, सेकेंड ईयर, सर देखो 4 lakhs में से 1 lakh तो पे कर दिया, मतलब 3 lakhs पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वेरी नाइस। थर्ड ईयर का बात करूं, सर देखो आउट ऑफ 3 lakh फिर से 1 lakh पे कर दिया, तो सर अब 2 lakhs पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, परफेक्ट है। फोर्थ ईयर का बताओ, सर फोर्थ ईयर में अगर मैं बात करूं तो मैंने आउट ऑफ 2 lakh 1 lakh रीपे कर दिया, तो अब मुझे 1 lakh पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली मैंने वो 1 lakh भी रीपे कर दिया, तो अब मेरा डिबेंचर हो गया है 0, आगे से मेरे को इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। समझा? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा
इसका रेशियो निकालना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, राइट। तो देखो मैं यहां पर टेबल बना देता हूं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहां पे हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और यहां पे लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये जो टेबल हम लोग बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल कितना अमाउंट राइट ऑफ होना चाहिए वो हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। शर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, डिस्काउंट एंड देन लॉस, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट? सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4 लाख फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 3 लाख, देन 2 लाख एंड देन 1 लाख, बराबर है। अब मेरा जो डिस्काउंट है, मेरा जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है दैट इज 5000, और मेरा जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो भी है 5000। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो इट विल बिकम 10। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस 5000 को एंड इस 5000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। अगर मैं रेशियो का बात करूं तो इट विल बी 4:3:2:1। अब ये रेशियो में डिवाइड करना तो बहुत ज्यादा इजी है ना, बट ठीक है मैं तुम लोगों को करके बताता हूं। देखो क्या करने का, इसका पहले ना टोटल ले लो, 4+3=7, 7+3=10, तो ये हो गया 10 लाख, ये टोटल ले लिया। अब तुमको कैलसी में क्या करना है, पहले लिखो 5000, पहले लिख दो ये वाला 5000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू दो बार, फिर वन बाय वन करो। पहला 4 लाख इज इक्वल टू अमाउंट आ रहा है 2000, देन 3 लाख इज इक्वल टू अमाउंट इज 1500, 2 लाख इज इक्वल टू अमाउंट इज 1000 एंड 1 लाख इज इक्वल टू अमाउंट इज 500। ये सब अमाउंट भी सेम आएगा, दीज अमाउंट विल ऑल्सो रिमेन सेम। जर्नल एंट्री तो सेम ही आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस, सिर्फ हर साल का अमाउंट इज गोइंग टू चेंज। पहले साल में इट विल बी 2000, देन 1500, देन 1000, देन 500। सिमिलरली लॉस के लिए भी सेम आएगा, अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो लेजर अकाउंट बनाया है ना, इसी के अंदर तुम लोगों को ना ये सब कैलकुलेशन में बता दूंगा। ओके, चल, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम। बोलो पहले साल का डिबेंचर कितना राइट ऑफ किया, फर्स्ट ईयर में डिबेंचर कितना राइट ऑफ किया, बोलो। सर फर्स्ट ईयर में 2000, ओके तो ये लिखो 2000, तो 5-2 कम्स टू 3, तो बैलेंस कैरीड डाउन 3, ये 3 यहां पे आ गया। फिर कितना राइट ऑफ किया, सर 1500, तो बैलेंस आएगा 1500, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 1500। फिर कितना राइट ऑफ किया, सर 1000, तो बैलेंस विल बी 500, वो 500 यहां पे आ जाएगा, और बाद में तुम 500 को भी राइट ऑफ करोगे एंड इट विल बिकम 0। समझा? तो जैसे ये डिस्काउंट है वैसे ही तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉस का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। अगर तुम दोनों को मिक्स करके अकाउंट बनाते हो, दोनों को मिक्स करके, मान लो ये डिस्काउंट नहीं बना के तुम डिस्काउंट का अमाउंट भी इसमें डाल देते हो, तो ये जो टोटल है इट विल बिकम 10,000 एंड अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ विल बी 4000, दिस विल बी 3000, दिस विल बी 2000 एंड दिस विल बी 1000, अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो। ओके, अच्छा सर ये तो आपने बी वाले का बताया, आप ए वाले का भी बता दो अगर मिक्स नहीं किया तो। सर अगर देखो मिक्स नहीं किया तो 5+5 विल बिकम 10,
तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 4, तो अमाउंट आ रहा है 2,500, तो एवरी ईयर वी हैव टू राइट ऑफ 2,500। क्लियर? चलो एक बार जरा हम लोग ना यहाँ पे इन लोगों का ना सॉल्यूशन हम लोग देख लेते, तो हम लोगों को ना थोड़ा सा अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि बाबा इन लोगों ने कैसे किया है। ओके, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट, व्हेन सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, तो डिस्काउंट का टोटल अमाउंट 10 लिया, 5 + 5 = 10, 4 साल में करना है तो इट कम्स टू 2,500 एवरी ईयर, बराबर। तो पहले लिख दिया 2 15% डिबेंचर 10,000, 2,500 राइट ऑफ किया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 7,500 बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से राइट ऑफ किया 2,500, तो बैलेंस आ गया 5,000, कैरी डाउन को यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया, फिर राइट ऑफ किया 2,500, बैलेंस 2,500 यहाँ पे ब्रॉट डाउन, एंड देन उसको भी राइट ऑफ करके इन 4 ईयर्स इट विल बिकम जीरो। अगर बी वाले पॉइंट का बात किया, व्हेन सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 ईयर्स, तो अपना जो अमाउंट था वो कितना बोला, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे देखो, हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है दोनों का साथ में का, अगर मैं बात करूँ तो 4, 3, 2 and 1 बराबर है ना। चलो तो अब इसका करना कैसे, इन लोगों ने भी ना बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, बट आई विल सजेस्ट कि इन लोगों को कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो। ओके, जैसे मैंने बताया रूल्स हिसाब से करो आ जाएंगे। ओके, तो अभी कैसे किया देखो, यहाँ पे सबसे पहले 15% डिबेंचर अमाउंट 10,000, फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करना है सर, 4,000, बैलेंस 6, जो कैरिड डाउन है वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो गया। सेकेंड ईयर में कितना राइट ऑफ करना है सर, 3, तो 6 में से 3 अगर मैंने राइट ऑफ किया, बैलेंस 3, तो ये बैलेंस 3 ब्रॉट डाउन हुआ, उसमें से राइट ऑफ किया 2000, बैलेंस कैरीड डाउन 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 1, राइट, एंड देन वो भी इसने यहां पे क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। समझा कि नहीं? वेरी गुड। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। देखो, ऑन 1st April 2014 पी लिमिटेड इशू 1,015% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रिडीमेबल एट पार, मतलब यहां पे सिर्फ एक ही लॉस है एंड दैट इज डिस्काउंट ऑफ 10%, वो भी कितना आएगा देखो, 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 100 का फेस वैल्यू टोटल हो गया 1 लाख, 1 लाख का 10% दैट कम्स टू 10,000, तो ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है अमाउंट दैट विल बी 10,000, तो जब तुम लोग जर्नल एंट्री लिखोगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 10,000। ओके, अब उसने रिक्वायर क्या बोला है वो भी देख लो, रिक्वायर्ड वॉट, शो द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो हम लोग ने डिस्काउंट वाला अकाउंट बनाया था वैसे ही। ए, सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब डिप्टो सेम अकाउंट बनेगा। बी, सच डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स इन 4 ईयर्स, डिप्टो सेम क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूं यहां तक कि अमाउंट भी सेम है 10,000। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, जब तुम लोग ये वाला सम करोगे ना, ये वाला जो मैंने बताया, ये इस मेथड से करो ही मत, है ना, तो ये 5000 अलग, ये 5000 अलग करो, क्योंकि राउंड एंड राउंड तो तुम ये तो सम करेगा ही। लेकिन अगर सपोज तुमने वहां पे 10,000 का भी किया है, सो आई विल से प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन, इसको करो ही मत, क्योंकि वापस वापस से सेम चीज करने का क्या मतलब बनता है, राइट। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पे ये नाम क्या बोला है, डिस्काउंट। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है। देख, वाई लिमिटेड इशूड 515% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज एट 8% डिस्काउंट रीपेबल एज अंडर, ये इंपॉर्टेंट है, रीपेबल एज अंडर, रीपेबल मतलब रिडम्पशन। बोलो कितना नंबर है, 500, फेस वैल्यू कितना है 1000, तो बोलो 500 × 1000 टोटल फेस वैल्यू हो गया 5 लाख, उसपे 8% का डिस्काउंट है, इंटू 8%
तो मेरा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 40,000, बराबर है? ओके, अब उसने क्या बोला है देखो, उसने बोला है रीपेबल एज अंडर, रीपेबल मतलब रिडम्पशन, ईयर एंड टू मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने 50,000 रिडीम किया, ईयर एंड थ्री पे 1 लाख रिडीम किया, ईयर एंड फोर पे मैंने 1,50,000 रिडीम किया, ईयर एंड फाइव पे मैंने 2 लाख रिडीम किया। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ, अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ कितना आ रहा है देखो सर, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख, सर टोटल आ रहा है 5 लाख। भैया जी हमने 5 लाख का ही तो डिबेंचर इशू किया था, तो 5 लाख रिडीम हो गया ना यहाँ पे, वेरी गुड। अब इसने ना सिर्फ बताया कि मैंने कब कब कितना कितना कैसे कैसे रिडीम किया, ओके? अब उसने बोला क्या है वो देखो, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर अज्यूमिंग दैट द कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। मतलब ईयर एंड क्या है अपना, कैलेंडर ईयर है, इट्स ओके, वो अपने काम का नहीं है कि ईयर एंड क्या है, 5 साल में अपने को इसको राइट ऑफ करना है, हम लोग को सिर्फ अमाउंट बताना है। यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं पूछा है, यहाँ पे लेजर अकाउंट नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है दैट इज 40,000, राइट? तो उसी को हम लोगों को यहाँ पे अलोकेट करना है, राइट? चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ये मैंने लाइन बना दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी जीरो, टी जीरो मतलब टाइम जीरो मतलब आज, टी वन 1 साल के बाद, टी टू 2 साल के बाद, टी थ्री 3 साल के बाद, टी फोर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड टी फाइव एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, बराबर? ओके बोलो मैंने कितना डिबेंचर इशू किया था फेस वैल्यू, सर 500 × 1,000 बोले तो 5 लाख। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख का फेस वैल्यू डिबेंचर मैंने इशू किया था, 5 लाख, बराबर है? अब मैंने रिडम्पशन कब से चालू किया, सर रिडम्पशन चालू किया ईयर एंड टू से, मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने रिडम्पशन 0 किया, सेकेंड ईयर में रिडम्पशन मैंने कितना किया सर, 50,000, थर्ड ईयर में कितना किया सर, 1 लाख, फोर्थ ईयर में कितना किया सर, 1,50,000, और फिफ्थ ईयर में कितना किया सर, 2 लाख। तो दिस इज माय अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, वेरी गुड। बोलो अब मैंने यहां पे पब्लिक से कितने पैसे लिए, 5 लाख। ये पूरे साल भर में मैंने कंपनी का कितना पैसा यूज किया सर, सॉरी पब्लिक का कितना पैसा यूज किया, 5 लाख। तो मुझे कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, व्हाट विल बी माय आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर सर, 5 लाख, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ आउट ऑफ 5 लाख मैंने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना पे किया सर, कुछ भी नहीं। तो बताओ मुझे अब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितने पे भरना पड़ेगा सर, सेकेंड ईयर में फिर से 5 लाख पे ही भरना पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ भी रीपे नहीं किया, वेरी नाइस। अब बताओ कितना रीपे किया सर, 50,000। तो बताओ अब थर्ड ईयर में कितना पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, 4,50,000, वेरी नाइस। चलो 4,50,000 में से कितना रीपे किया सर, 1 लाख। तो अब कितने पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सर, अब इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 3,50,000 पे, राइट? आउट ऑफ 3,50,000 अब मैंने कितना रीपे किया सर, 1,50,000। तो अब बताओ अब इंटरेस्ट कितने पे भरना पड़ेगा सर, अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 लाख पे। और अब मैंने लो ये 2 लाख भी रिपे कर दिया, मतलब अब इसके बाद मुझे इंटरेस्ट पे करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, राइट? चल तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, यहां पे देखो हम लोग पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट और फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बराबर? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। बोलो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर सर, 5 लाख। सेकेंड ईयर सर, 5 लाख। थर्ड ईयर सर, 4,50,000। फोर्थ ईयर सर, 3,50,000। फिफ्थ ईयर सर, 2 लाख।
अब मुझे क्या करना है, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रेशियो में इसको डिवाइड करना है, बराबर है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द टोटल ऑफ दिस, और इसका जो टोटल है वो तो मुझे पहले से पता है, इट इज 40,000, राइट। तो कैसे आएगा, 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख 50,000 प्लस 3 लाख 50,000 प्लस 2 लाख, टोटल कम्स टू 20 लाख, बराबर है। सो इफ यू वांट, तुम आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रेशियो निकाल के भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं 50:50:45:35:20, ये रेशियो आएगा, और छोटा करना है तो और छोटा भी कर सकते हो, बट क्यों इतना नाटक करने का, डायरेक्टली करो ना। 40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू इंटू दो बार 5 लाख इज इक्वल टू दैट कम्स टू 10,000, फिर से 5 लाख इज इक्वल टू गिव्स यू 10,000, देन 4 लाख 50,000 इज इक्वल टू गिव्स यू 9,000, 3 लाख 50,000 इज इक्वल टू गिव्स यू 7,000, एंड 2 लाख इज इक्वल टू दैट गिव्स यू 4,000। तो अगर मैं इसका टोटल करूं, देखो 10 प्लस 10 20 प्लस 9 29 प्लस 7 36 प्लस 4, टोटल इज 40। तो इसका मतलब ये जो टोटल 40,000 का डिस्काउंट है, उसमें से फर्स्ट ईयर राइट ऑफ होगा 10, सेकेंड ईयर राइट ऑफ होगा 10, थर्ड ईयर राइट ऑफ होगा 9, फोर्थ ईयर राइट ऑफ होगा 7, एंड लास्ट ईयर में राइट ऑफ होगा 4,000, एंड डिस्काउंट का अमाउंट विल बिकम निल एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। समझा? श्योर?